बट 2000 में सोच सकते हैं। 2000 ठीक है आपके, ठीक है डील। तो भाई अभी लगभग दोपहर के 12 बज रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रहने वाली है कि ये दिन ख़त्म होने से पहले हम 10,000 रुपये कमा पाए फ्रीलांसिंग से, और वो भी ऑफलाइन। जितने में मैं ऑनलाइन जाऊंगा, अकाउंट बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अप्रूव होने में। मुझे पैसे आज शाम को चाहिए, मुझे करनी है पार्टी। तो बेसिकली कुछ लो एफर्ट बनाना है जिसके पैसे भी मिल जाएँ और डिमांड भी है। इंस्टाग्राम रील्स। तो प्लान एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, बस एक मार्केट ढूंढना है, मार्केट में कुछ दुकानों पे जाना है, दुकान वाले को कन्विंस करना है कि हमें पैसे दे और रील बनाने दे, एंड इट्स एज इजी एज दैट। बट इतना भी आसान नहीं है। अब इस वीडियो को इंटरेस्टिंग करने के लिए मैंने खुद के लिए छोटा सा चैलेंज रखा है। मैं जाके किसी स्टोर को ये नहीं बोल सकता कि मैं यूट्यूबर हूँ, एंड टू कीप दिस फेयर, क्योंकि मोस्ट बिगिनर्स कम अमाउंट चार्ज करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ये रील्स अबाउट 2000 या 2500 में बना पाऊँ पर स्टोर, होपिंग कि अगर हम 4 से 5 दुकानों को कन्विंस कर पाएँ तो हम शायद 10,000 रुपये बना लें। किसी ने भी नहीं दिया तो बेइज्जती हो जाएगी, तो फाइंड आउट पैसे मिलेंगे या नहीं बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। देखो पहले मैं सोच रहा था कैब बुलाऊंगा यहाँ पे ताकि हम आराम से कैब में जा पाएँ, बट हम पैसे बनाने की कोशिश करें, खर्च करने की नहीं। ट्रू। तो हम जितना पैदल जा सकते उतना पैदल जाएंगे यहाँ से बाहर, और फिर एक ऑटो ढूंढने की कोशिश करते हैं और उससे लड़ेंगे, क्योंकि हम पैसे बचा रहे हैं, बना रहे हैं। ओके, बचा भी रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग कर रहे हैं, 10 मिनट से यहाँ खड़े हैं, ना ऑटो मिल रही है ना कुछ मिल रहा है, ऐप से ऑटो बुक कर रहे हैं, थोड़ी सी चीटिंग चल सकती है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ना 90 रुपये में नहीं जाऊँगा मैं, देखते कोई और ऑटो ऑफर करता है या नहीं। भाई बड़ा कन्फ्यूजिंग ऐप है भाई, लेके जाना कि नहीं लेके जाना समझ नहीं आ रहा। 87 रुपीज़ ट्राई करते हैं शायद कोई। फोटो अभी निकल जाता है कि कंप्यूटर से निकालेंगे? कंप्यूटर से निकलता क्या हुआ? अभी निकलता तो एक आप सेल्फी। अरे भैया साला आज किस्मत ही ख़राब है, ना ऑटो सड़क पे मिल रही ना ऐप पे मिल रही, पैसे बचाने के चक्कर में अब 130 रुपये दे रहे हैं गाड़ी के। कैब बुलाई है, अब ये भी नहीं आया ना, और वहाँ पैसे नहीं बने, तो अभी 130 लॉस में हम, पैसे कमाने हैं। और वो कैब अगले आधे घंटे तक नहीं आई, आसपास चलते हुए काम की वजह से वो खो गया और उसे रास्ता नहीं मिल रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था ये वीडियो कैसे बनेगी अगर हम घर से ही नहीं निकल पाएंगे। मैं बस गिव अप मारने ही वाला था, मगर फिर वो आ गया। सुभान भाई बेइज्जती नहीं करानी यार, बड़ी मेहनत से, बहुत गर्मी सह के, बहुत दिमाग लगा के वीडियो बना रहे हैं, बेइज्जती नहीं करानी। क्या लगता है भैया जो करने निकले कर पाएंगे? एकदम। अरे थैंक यू, भैया ने भी हाँ बोल दिया, देखते हैं। अभी हम मार्केट आ चुके हैं, बिल्कुल पूरी मार्केट मेरे पीछे है, और ये मार्केट चूज़ करने का एक बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ तो दुकानें हैं ही, बट यहाँ काम नहीं बना, तो एक मार्केट बिल्कुल उस तरफ है सड़क के और एक मार्केट उस तरफ है सड़क के। अब इस वीडियो का एक्चुअल सबसे मुश्किल काम, दुकानों को कन्विंस करना कि हमें काम करने दें और पैसे दें। पीछे की दुकान है, ट्राई मारते हैं, मुझे लगता नहीं है मानने वाले हैं, थोड़ा कैमरा नीचे रख। चलो एक गेम खेलते हैं, जल्दी जल्दी गेस करो इस स्टोर ने हमारे ऑफर को क्या कहा, यस और नो। समय समाप्त हुआ, और काश मैं कह पाता कि ये हमारी आखिरी रिजेक्शन थी, बट इसके बाद लगभग 10 दुकानों ने हमें एक के बाद एक मना कर दिया। भाई कोई नहीं मिल रहा यहाँ पे, ये बैड आइडिया निकला है, मुझे लगता है ये वीडियो फेल हो रही है, गंदी वाली। अब क्योंकि हम हर एक रिजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर पाए, लेट मी जस्ट टेल यू कुछ कुछ ऐसा हुआ था। जी सर, तो प्लान बिल्कुल सिंपल है, हम आपके इंस्टाग्राम के लिए एक रील वाली ऐड बनाना चाहते हैं जिसको यूज़ करके आप अपनी सोशल मीडिया पे प्रमोशन कर सकते हो और दुकान पे सेल्स बढ़ा सकते हो। अच्छा इंस्टाग्राम नहीं है, अच्छा प्रमोशन भी नहीं करते, चलो सर फिर कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। क्या सर? नहीं सर, जगराते की वीडियो नहीं बनाते हम, नहीं सर बच्चों की पार्टी की भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर हम चाहते कि हमारी वीडियो से आपकी दुकान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। जी सर बिल्कुल सर, ऑनेस्टली सिर्फ 2000 रुपये। सर सर गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? सर जूते मत उतारो सर। पर कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ। बात करके आता हूँ फिर, देख मेरा माइक ऑन है वैसे, तो बात शुरू कर सकते।
आप ऑन करते हो? हाँ जी। आप इंस्टाग्राम पे वीडियोस डालते हो? हाँ डालते हैं। अगर मैं आपको ऑफर करूँ कि आपकी स्टोर की 15 से 30 सेकंड की मैं एक रील बना दूंगा, आप उसको कहीं भी यूज़ करो, तो आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आप जो ये वीडियो बनाओगे इसका खर्चा कितना लोगे, ये तो बताओ। आपको क्या लगता है इस काम का कितना होना चाहिए? भाई मेरा तो फ्री में चलता है, जान चलता है। और आप देख लो। चलो मैं आपको 2000 का ऑफर देता हूँ। बट 2000 में सोच सकते हैं? 2000 ठीक है, ठीक है, ठीक है, डील डील मिल गई है। वी गॉट अ क्लाइंट, अब लेट डाउन नहीं कर सकते। और उसी के साथ हमने हमारी पहली रील की शूट स्टार्ट कर दी थी। अब हमने क्या बनाया वो तो आपको एंड में दिखेगा, पर हमने सारी रील्स सिर्फ एक लेंस पे बिना किसी गिम्बल के और बिना किसी एडिशनल लाइटिंग के करी। थोड़ा टफ था। यहाँ का काम तो हो गया, 2000 भी कमा लिए और भाई को फ्री का केस भी मिल गया, क्योंकि उन्होंने गिफ्ट दिया, क्योंकि काम मेहनत से किया, इसको केस पसंद आया, फ्री का केस भी मिल गया, तो हम प्रॉफिट में तो आ गए हैं। हमने 12 बजे निकले थे, अभी 3:30 बज गए हैं। इस मार्केट की दुकानें ख़त्म। अगर आप पहली बार ट्राई करोगे आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रह सकता है, तो वी ट्राइंग टू कीप इट जेन्युइन। बहुत मन करता है बोलने का, 1 लाख का चैनल है, 3 लाख का चैनल है, कर रहे हैं ये 10-12 साल से। हाँ सड़क पार करते हैं हम, उस मार्केट जा रहे हैं। अब क्या लगता है इधर मिलने वाले हम लोगों को? अंडर एक्सपोज। अब इस मेहनत की शूट के बाद हमें लग गई प्यास, तो हमने सोचा पास की किसी दुकान में जाके कुछ पी ही लेते हैं, तो हम चायोस चले गए और ये काफ़ी बुरा आइडिया था। चायोस के अंदर गए, मैं उल्टी करते रह गया भाई, प्यास की बदबू आ रही है अंदर गंदी। पर काश वो बदबू ही सह लेता मैं, क्योंकि प्यास के चक्कर में जो दूसरा कैफ़े हम गए वो उस दिन के लिए थोड़ा ज़्यादा महंगा था। टेबल फॉर टू। अब यहाँ पे आए क्लाइंट पकड़ने के लिए, प्रॉफिट छोड़ो, 600 रुपए की नींबू पानी पीने वाले हम, मजे आ रहे हैं। देखो आज की कमाई, तू मत बोल, फ्री का केस मिला है, केस दिखा ना, केस केस जरूर मिल गया है। बट ऑन अ सीरियस नोट, हम जिस मार्केट में है यहाँ थोड़ी बेटर स्टोर्स हैं, थोड़े बेटर बिजनेसेस हैं, शायद हमें किसी को बना लें। इसके बाद वी नीड टू कवर अप, क्योंकि हम 12 बजे के निकले हैं, 4 बजने वाले हैं, और हमने एक शूट से ज़्यादा तो शायद खर्चा ही कर दिया है। ऐसा काम नहीं बनने वाला यार। अब जितनी टाइम मैं अपनी ड्रिंक पी रहा था, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, अगर हम कुछ और स्टोर्स को वीडियो के लिए कन्विंस नहीं कर पाए ये वीडियो फेल हो जाएगी। वी नीडेड अ बेटर प्लान, टाइम भी ज्यादा नहीं था हमारे पास, वी वर लूजिंग आउट ऑन नेचुरल लाइट। तो इसके बाद हम सीधा निकले एंड वी वेंट टू अ कपल मोर स्टोर्स टेलिंग देम व्हाट वी वांटेड टू डू, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें फिर से कुछ ऐसे रिजेक्शंस मिले। नहीं सर, आपको नहीं नाचना पड़ेगा, आप नहीं चाहते तो। सर आप तो बुक स्टोर में काम करते हो, पढ़े लिखे लगते हो, पागल हो गए, हमसे वीडियो नहीं बनवाओगे? सर नहीं, सर सर नहीं नहीं सर मारो। सर खिलौने की दुकान आपकी है, मेरी फीलिंग्स के साथ तो मत खेलो ना यार, सिर्फ 2000 ही तो मांगे हैं। अच्छा अच्छा, 1.5 लाख का फोन बेच सकते हो, 2000 की वीडियो नहीं बनवा सकते? सर मजाक नहीं कर रहा, सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा आपकी दुकान को। जा रहा हूँ, गार्ड्स बुलाने की जरूरत नहीं है। सच बोलूंगा मेरा हो गया, मुझे और नहीं करना। सुबह अंदर गया है कहीं किसी दुकान में ट्राई करने के लिए, मैं बोल रहा हूँ यहीं ख़त्म करते हैं, इंडिया में लोगों को नहीं खर्च करना। ऐसे तो नहीं, थोड़ा प्लान के साथ आना चाहिए था। पर फिर हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण मिली। सच बोलूँगा तो मेरी शक्ल में मौत दिख रही है, मैं गिव अप मार चुका था। मैं सुबह इनको बोला तू मना से तो मना ले, कर लेंगे, भाई ने मना लिया। सुबह से ऑलमोस्ट 10-15 लोग से मना हो चुके हैं, बट वी गॉट अनदर क्लाइंट। इन्होंने बोला अगर काम पसंद आया ही पेज अस, नहीं पसंद आया तो ही डजंट, ट्राई मार लेते हैं। सच बोलूँगा जिस हिसाब से ये दिन जा रहा था इस पॉइंट तक मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो चुका था। नॉट बिकॉज हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे या हमें पैसे नहीं मिल रहे थे, बट मे बी बिकॉज लोगों में हमारे काम की अवेयरनेस ही नहीं है। आई गेस दो लड़कों को कैमरा के साथ देख के काफ़ी लोग इंटिमिडेट हो जाते हैं, बट अगर दूसरी तरफ देखूँ तो मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा था और मेरे लिए शायद वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके यहाँ पे भी हो गया, आई थिंक हम सुबह से कुछ 15 स्टोर्स कर चुके हैं ट्राई, दिस सेकेंड वन द लेटेस्ट शूट, एंड अब 6 बजने वाले हैं, अनवेर में और हिम्मत नहीं है। 6 घंटे 4000 रुपये पोटेंशियली 4000 रुपये, मगर हम इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहते थे। वी वॉन्टेड टू गिव इट वन लास्ट ट्राई।
तो बिल्कुल साइड वाली दुकान में वी गेव देम आर ऑफर, और उस स्टोर के ओनर से फोन पे बात करने के बाद ही सेड यस। तो ये टॉय स्टोर है, इसका फाइनल वीडियो लेते हैं और घर चलते हैं, मैं थक चुका हूँ। उस एक स्टोर की हाँ ने जो मुझे खुशी दी मैं बता भी नहीं सकता। इवन दो बाहर अंधेरा होने लग गया था और अंदर ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं थी, वी गेव इट आर बेस्ट। और किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है, एक दुकान जिसने हमें थोड़े टाइम पहले ही मना किया था एक्चुअली केम टू अस एंड आस्क्ड अस इफ वी वुड लाइक टू शूट फॉर देम राइट नाउ, पर क्योंकि अंधेरा हो रहा था हमें उन्हें मना करना पड़ा। टिल नेक्स्ट टाइम। वेल क्लियरली हमने 10,000 रुपए तो नहीं कमाए, बट कुछ छोटी छोटी चीजें ऐसी भी विच यू मस्ट नो। जो पूरी वीडियो आपने अभी तक देखी उसको शूट किए लगभग 8-9 दिन हो गए हैं, तो हम वो रील्स एडिट कर चुके हैं और उनको भेज चुके हैं स्टोर्स को, एंड दे लाइक्ड इट। बट उनमें से एक स्टोर ने हमें एक्चुअली फाइनली 500 रुपए एक्स्ट्रा दिए फॉर द एफर्ट एंड फॉर द वीडियो दैट वी मेड, क्योंकि उनको पसंद आई, तो उससे हमारा टोटल थोड़ा सा ऊपर तो गया ही है। दूसरे स्टोर को जब हमने रील भेजी दे ऑल्सो लाइक्ड आवर वर्क एंड दे ऑल्सो ऑफर्ड अस अ जॉब अगर हम उनके बाकी स्टोर्स इंक्लूडिंग दिस वन का प्रॉपर वीडियो शूट करना चाहते हैं, नॉट जस्ट अ रील, पूरी पूरी वीडियो जो वो यूज कर सकते हैं, एंड नॉट जस्ट वन स्टोर, मल्टीपल स्टोर्स, और हमारे चार्जेस मांगे। तो इस छोटी सी रील से, इस छोटे से काम से हमें फ्यूचर में भी और काम मिल गया। एंड वो जो आखिरी स्टोर जिसकी हम वीडियो नहीं बना पाए वो भी अभी भी इंटरेस्टेड है। क्या मैंने ये करके 10,000 रुपए कमाए? नहीं, बट वो मेरी आलस और मेरी गंदी प्लानिंग की गलती है। इफ आई कुड स्टार्ट दैट डे अगेन मैं प्रॉबेबली कर लेता, एंड अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो गो अहेड, मेरी गलतियों से सीखो और वो गलतियां फिर से मत करना। अब आप में से काफी लोग फाइनल रील देखना चाहते हो हमने क्या बनाया इन स्टोर्स के लिए, तो वो मैं चलाने वाला हूँ आपके लिए, वॉच इट, बट उसके बाद कम बैक क्योंकि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, पर पहले ये रील्स देख लो। अब ये थी वो रील जो हमने इन स्टोर्स के लिए बनाई, एंड ऑनेस्टली मेरे हिसाब से थोड़ी लो एफर्ट थी ये, आई नो, बट यही हमारा गोल था। नो गिम्बल्स, नो फैंसी लाइट्स, कम से कम टाइम स्पेंड करना था हमें ऑन दीज वीडियोस, बट वी मेड श्योर द स्टोर्स लाइक देम, क्योंकि ज्यादातर लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे आई सपोज। पर अब मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हो विच इज ऑलमोस्ट द एंड, कंग्रेचुलेशंस, आप बेस्ट हो। तो what I want to give you is a cheat sheet for freelancers. All those things जो मुझे लगता है एक freelancer को पता होना चाहिए while dealing with a client. काम तो मिल जाता है but talking to someone, अपने client से बात करना and convincing them is tough. तो एक छोटा सा cheat sheet है which I want to share with you. जो आप नीचे description में एक link है मेरे store का, वहाँ से जाके एकदम free में download कर सकते हो। उन चीज़ों को follow करो while talking to your next client and शायद जो लोगों हमें मना किए वो आपको मना ना करें। अब अगर आप भी दूसरों के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो वीडियोस में अच्छे वाले ट्रांजिशंस यूज करना बहुत जरूरी है। काफी ट्रेंडी लगते हैं और सुंदर लगते हैं और थोड़ी महंगी वीडियो लगती है। अगर नहीं आते यूज करने तो हियर इज अ वीडियो फॉर यू, चेक इट आउट, इसमें काफी तगड़े ट्रांजिशंस करना सिखाता हूं मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, बाय।